अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनरा पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द स्टोरीज ऑफ़ द रियल वर्ल्ड और उसके अंदर हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है बिब्लियोथेरेपी बिबलियोथेरापी uh, क्यों पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हमारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं और वो कैसे लिटरेचर हमें हेल्प आउट करता है उन टॉपिक्स को समझने के लिए और उन लोगों को समझने के लिए जो उस डिफ़िकल्ट स्टेट से गुजर रहे होते हैं उनमें से एक इंपॉटेंट चीज़ है डिसबिलिटी सो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट वट इज़ बिब्लियोथेरेपी सो टू अंडरस्टेंड द डिसबिलिटीज हमारे सामने लिट्रेचर uh, के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि चाहे टीचर्स हैं या स्कूल काउंसलर हैं लिटरेचर वो बच्चों को इसलिए देते हैं ताकि बच्चे अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो इमोशनल है है, ईशूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो उससे अप कर सकें जैसे कि अब्यूज़ है जैसे कि डेथ है और ऐसे बहुत से इशूज़ जो हैं बच्चे इमोशनली गो थ्रू कर रहे होते हैं uh, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आता वो है डिसबिलिटी का टॉपिक और हम लिटरेचर के थ्रू डिसेबिलिटी के इश्यूज को उसके कॉन्टेक्स को आ, और उसके स्कोप को वो कितना बड़ा है वो क्या है उसमें किस किस्म के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हम उसे समझ सकते हैं अगर हमारे पास ऐसी कहानियाँ मौजूद हों हम उन बच्चों को समझ सकते हैं जो मल्टीपल डिसबिलिटी से गो थ्रू हो रहे हैं अब बिब्लियोथेरेपी जो है वो एक यूज़फुल स्ट्रेटजी है इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो लोग जो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं हैं या डिफरेंट किस्म की डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं अब वो कैसे लोग हैं उनकी क्या स्पेशल नीड्स हैं और उनकी ज़िंदगी क्या जिंदगी है और हम उसको बेहतर तरीके से बाद में हम उनसे दोस्तियाँ कर, कर सकते हैं उनके साथ हम रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं और उनके साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बिब्लियोथेरेपी सेशंस होते हैं जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक तो ये कि वो जो कहानी है जो भी किसी भी डिसेबिलिटी के ऊपर है आ, उसे पढ़ा जाए या बाज़ बुलंद पढ़ के सुनाया जाए जिसे हम रीड अलाउड कहते हैं जब वो कहानी आप सुन लें या पढ़ लें उसके बाद हम एक सेशन से गुजरते हैं और डिस्कशन सेशन से जो एक फैसिलिटेटर एक एक्सपर्ट कुछ सवाल ले कर आपके पास आता है कहानी के ऊपर और फिर हम उस पर डिस्कशन होती है छह गोल है बिब्लियोथेरेपी थेरेपी के जो कि इस दोनों सेशंस के दरमियान किताब को पढ़ना या सुनना और उसके बाद डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाए गए हैं क्या छह गोल हैं सबसे पहले कि आपको इन्फॉमेशन प्रोवाइड की जाए उस डिसबिलिटी के बारे में जिसके ऊपर वो कहानी की किताब लिखी गई है इट टू प्रोवाइड इनसाइड इन टू स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या सिचुएशन के ऊपर जो वो बच्चा जिस भी डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है उसके थ्रू गुजर रहा है और जो मसाइल से गुजर रहा है उसके लिए कोई सोल्यूशन अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएँ डिस्कशन की जाए जिसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए कि एक्चुअल हमारी सोशल इश्यूज क्या हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं हम कैसे डिसेबल बच्चों को लेते हैं और कैसे उनको कॉप अप कर सकते हैं हेल्प आउट कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकें और वैल्यूज़ को चेंज कर सकें हम एटीट्यूड्स को बेहतर बना सकें आ, उस डिसेबिलिटी के बारे में उस उन लोगों के लिए अपनी वैल्यूज़ और एटीट्यूड को बेहतर कर सकें जो उस डिसबिलिटी को फ़ेस कर रहे हैं जिसके बारे में आप वो कोई लिटरेचर या कहानी पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट जो है आ, वो ना सिर्फ ये समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बल्कि वो किस एक्सपीरियंस से गुज़र रहा होता है आ, इसको भी समझ पाते हैं जब हम इस सेशन से गुज़रते हैं हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आ, uh, इसका नाम है ए डी डी नॉट बी ए डी सो आप समझ गए होंगे बी ए डी फॉर बैड और ए डी डी स्टैंड बाई किसके लिए करता है अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर के लिए और ये एक आपके सामने स्टडी है इट्स अ प्रैक्टिकल बिब्लियोथेरापी स्ट्रेटजीज फॉर द इंक्लूसिव एलिमेंट्री क्लास रूम और इसके अंदर हमें क्या मिलने जा रहा है ये हम देखते हैं सो so, इस स्टडी के अंदर एक टीचर हैं जो कैलिफोर्निया uh, से बिलोंग करती हैं और उन्होंने uh, इस किताब को लेके अपने अल फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट के साथ एक्टिविटी बनाई है और वो एक्टिविटी क्या है आ, वो हमारे सामने है सबसे पहले तो उन्होंने इस कहानी को रीड अलाउड पढ़ा है और रीड अलाउड पढ़ने से पहले उन्होंने ये सवाल बच्चों से किया है वट डज़ इट मीन टू बी डिफरेंट फ्राम एवरी वन एल्स कि अगर कोई ऐसा हो जो आपकी क्लास में बाकी तमाम बच्चों से डिफरेंट हो तो वो आपको कैसा महसूस होगा या अगर आप ऐसे हों तो आपको कैसा महसूस होगा इस डिस्कशन के बाद उन्होंने कहानी को पढ़ा स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने का मौका दिया और उसके बाद शी कंडक्टेड अ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी जिसके अंदर उन्होंने डिस्कशन की बच्चों के साथ ए के ऊपर और डिस्कशन के अंदर दे फाइंड आउट कि किस तरीके से हमने इस मसाइल को समझना है और कैसे हमने ए से रिलेटेड बच्चों के इश्यूज को सॉल्व करना है आ, क्या ये चीज़ें हमारी टीचर एजुकेशन में शामिल होनी चाहिए बिल्कुल शामिल होनी चाहिए हमें टीचर एजुकेशन के अंदर भी ऐसी एक्टिविटीज़ अपने बी के स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए फ्यूचर टीचर्स को पढ़ानी चाहिए बिब्लियोथेरेपी के काइंड जिससे वो समझ सकें कि ये आ, बच्चे कैसे होते हैं इनके साथ हमें कैसे डील करना है इनके मसाइल क्या मसाइल होते हैं आ, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीके का ये है कि हम अपने बी के स्टूडेंट को टीचर एजुकेटर्स को कोई भी दो किताबें दे दें जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं और फिर उन्हें कहें कि आप इसको पढ़ें आ, पढ़ने के बाद उसके बाद हम उनसे मुख्तफ किस्म के सवाल कर सकते हैं आ, उनको दे सकते हैं ताकि वो सवाल के जवाब दें सबसे पहले हाउ आर इंडिविजुल विद डिसबलिटी पॉट्रेट इस कहानियों में इन बच्चों को जो डिसबल हैं कैसे पोट्रेट किया गया है क्या वो पैथेटिक हैं क्या वो उदास हैं क्या वो आपसे मदद मांग रहे हैं या वो हीरोइक हैं सक्सीडिंग हैं और वो अपनी एडवर्सिटी को जो है ज़बरदस्त तरीके से एड्रेस कर रहे हैं uh, इन कहानियों में हमारे टीचर्स को ये देखना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप क्या है नॉन डिसेबल बच्चों के दरमियान और उन करेक्टर्स के दरमियान अंदर एबल हैं और वट को चिल्ड्रन और यूथ लर्न फ्राम रीडिंग बाई दिस बुक और बीस सवाल जो आपके जहन में आ सकते हैं आप टीचर एजुकेटर्स को रिफ्लेक्शन के लिए दे सकते हैं उसके बाद जब टीचर की कहानियाँ पढ़ लें ये सवालत उनके सामने हो तो वो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं हर किताब पे जो आपने उनको दी है पहले उसकी एक ब्रीफ़ समरी लिख सकते हैं फिर अपने रिफ्लेक्शन को गाइडलाइन कर सकते हैं कि उसमें जो बच्चे जिसको बताया गया है उसका रोल कैसा है और इस्पेशली उस बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है उन तमाम करेक्टर्स के साथ जो डिसेबल नहीं है उस कहानी के अंदर और उसके बाद फिर वो जो है आ, इसके अंदर अपनी रिकमेंडेशन सपोर्ट कर सकते हैं रिकमेंडेशन में बता सकते हैं कि क्या ये कहानी बच्चों को पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए या इसे कैसे चेंज किया जा सकता है या बेहतर किया जा सकता है